हाँ। अच्छा ये बताइए, जब स्क्रिप्ट आया आपके पास और आपने पढ़े, तो पहले कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद आई वॉन्ट टू नो कि पहले 2-3 थॉट्स आपके जहन में क्या गई जो आई सबसे पहले? मुझे लगता है वही हमें कन्विंस करेंगी कि हमें ये मूवी देखनी चाहिए। नहीं, जब स्क्रिप्ट मेरे पास आई तो पहले तो मैंने कहर आलूद निगाहों से सरमद खूसट को घूरा कोई 3 मिनट। क्यों? मैंने कहा बस अब ऐसा करो, इस पहाड़ी से उस पहाड़ी पर ना एक रस्सी बांधो और इससे कहो बाजी इस पर एक पहिए की साइकिल चला के दिखाओ। क्यों? मतलब फॉर बोथ मी एंड सबा ही इट्स अ वेरी डिफिकल्ट स्क्रिप्ट। ओके, फॉर सबा इट वाज फिजिकली, मतलब जितना वो इमोशनली डिफिकल्ट है उतना वो फिजिकली भी डिफिकल्ट है। एकदम पहाड़ों में, दरियाओं में, कोई जगह नहीं छोड़ी, समंदर बचा था। मैंने कहा कुछ आ जाओ। हाँ सही कह रही है, मैं सब आप में सोची सब जगह ले गया, सब जगह दौड़ा के भगा के उसको चोट। उन्होंने कहा बहुत कंप्लेन करते हैं आप सब लोग, खवातीन के ड्राइंग रूम में बिठाया, आंसू बहाए, चलो मैं बताता हूँ काम कर, मैं बताता हूँ उनको आपको। तो उसने और ये सबा की हिम्मत है, उसने एक तो मौसमों का भी इशू था, लेकिन बस सिवियर मौसम थे, पहाड़ियाँ चढ़ना उतरना, अच्छा एवरीबडी एल्स कैन लुक टायर्ड। अगर आप एडी हैं, आप या आप कोई और वर्कर है इन द टीम, आप थके हुए लग सकते हो, थकी हुई लग भी नहीं सकती। ट्रू, यू नो उसको फ्रेश भी लगना है, उसने अपना काम भी करना है उसने। तो आई थिंक दैट वेज इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन स्क्रिप्ट में क्या था जब उन्होंने दिया कि आपने उनको 3 मिनट कहर आलूद नजरों से घूरा? पढ़ने के बाद था या पढ़ने के बाद? उसके बाद, ओके। क्योंकि वो एक तो उसकी डिसेबिलिटी है जो देखा होगा आपने कैरेक्टर में, ट्रेलर में, कि वो उसकी थोड़ी सी डिसेबिलिटी है एक, और एंड हमने काफ़ी क्योंकि उन्होंने इसको कई दफ़ा रिवाइज़ किया, तो उन्होंने इसको बड़ा शार्पन कर दिया था कि जो हमारे कैरेक्टर्स के जो डिलेमास हैं दे डिफ़िकल्ट टू प्ले। ओके, तो वो कम्युनिकेट करना मुश्किल है उनको। okay. और वो एक बहुत बारीक सी लकीर है, लेकिन गो ओवरबोर्ड। okay. और वो तो ज़ाहिर है उसकी नज़र है कि वो उसको और मैं फिर हर वक्त उसको कहती थी देखा है तुमने, तुम देख रहे थे तुम। वो आपको कहते नहीं थे सानिया मेरा और काम नहीं आए? Didn't he ever say that? Never, not to me. He has a lot of patience. Oh yes, yes. Oh, Sarmad is one of the most. बल्कि मैं उसको अक्सर जब दुआएं भेजती हूँ तो मैं उसमें कहती भी हूँ उसको कि you know उसकी पेशेंस को सलाम है, बरकरार रहे वो, अल्लाह करे ऐसे ही। और उसको नुकसान भी पहुँचाता है उसका पेशेंस, क्योंकि देन यू नो वो हर एक को उसी तरह केटर करने की और हर एक को तवज्जो देने की कोशिश करता है, लेकिन और हर एक को लग रहा है इस स्क्रिप्ट में हर एक को लगता है उसका कैरेक्टर बहुत मुश्किल है। okay. तो हर आदमी उसको ना बस खाने को तैयार बैठा था कि ये मुझे बताओ मैंने ठीक किया है कि नहीं किया, ये ठीक हुआ है कि नहीं। Surrounded by so many women. Yeah. अच्छा, and these are his women, these are Manto's women, right? ये मतलब सफिया और हमजात और मैडम नूरजहाँ are Manto's women। तो ये हमारी तो एक वो सिनर्जी बनी हुई भी है ना। exactly. तो हम तो फुल थ्रॉटल बच्ची बच के काम। हाँ, और आपस में भी हमारा क्योंकि एक तो पुराना ताल्लुक है और हम वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद ईच अदर। मेरे और सबा के लिए पहला मौका था जब हमने एक मंटो के एक सीन के अलावा हमने कभी इतना लंबा और इतना इंटेंस। हाँ, नशे में थे, मजे लिए जा रहे थे हम तो। आप लोग की तो ईद हुई हुई थी, सीरियसली ईद हुई हुई थी। तो कभी हम मतलब हम एक दूसरे को भी देख रहे थे, एंड यू नो द वे वी वर वर्किंग विद द कैरेक्टर्स, द वे द कैरेक्टर वाज वर्किंग विद अस, बहुत हमें बहुत मुझे उम्मीद ये ख्वाहिश मेरी है कि लोगों को देखकर भी उतना ही मज़ा आया जितना मैं करके आया। हमें करके बहुत मज़ा आया। और जब आपको मज़ा, जब आप अच्छी कहानी बन रही होती है ना, आपको पता चल जाता है कि यार ये कहानी तो मज़े की है यू नो। अच्छा ये बताइए सरमद साहब, आपकी मतलब एक कंफर्ट लेवल है, आप लोग बहुत से प्रोजेक्ट से भी काम कर चुके हैं, दोस्ती भी है, यू नो कोलीग्स भी हैं, तो जब इस तरह आप काम कर रहे हो तो क्या होता है? कंफर्ट जोन तो डेवलप होती है, लेकिन आफ्टर वाइल मैं ये आई वॉज वंडरिंग कि क्या आप थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर पुश करना आसान होता है? बिकॉज इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं आप लोग एक दूसरे से कि चैलेंज करना होता है, या वो आपके ऊपर छोड़ देते हैं चीज़? आप कमली देख के मुझे बताएं। ओके, कि उनके लिए आपको लग रहा है कि मुश्किल था? मैं तो बिहाइंड द सीन्स की बात कर रही हूँ। बिल्कुल नहीं, उनको नहीं, एक्चुअली आई थिंक आसान हो जाता है बिकॉज आपको ये यकीन होता है ही इज कमिंग फ्रॉम प्लेस ऑफ एक्सपेक्टेशन। तो इसका मतलब और प्रेशर हो जाता है क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस हैं आपके साथ कि इस उम्मीद पे तुम्हें लाया कि ये डिलीवर करना है। और एक कंफर्ट भी होता है ना कि मैं इसको पुश करूंगा तो ये मुझे ट्रस्ट करके वहाँ तक जाएंगी। सो इट वर्क्स बेटर। सो ऑल थ्री ऑफ अस, आई थिंक मी, निम्रा एंड सबा, वी ऑल लाइक दैट। तो अच्छा है कि हम खुश होते हैं इस बात से कि अच्छा ये तो मैं कर ही सकती हूँ, मगर इसको लगता है कि मैं ये भी कर सकती हूँ। सो आई थिंक वी लाइक डूइंग दैट। सो कमली का इट सेज इट्स अ स्टोरी ऑफ लव एंड बिट्रेयल। तो क्या वुमेन एम्पावरमेंट थीम्स भी देखेंगे या ये लव स्टोरी, बिट्रेयल, इसी तरह की कहानी होगी? अच्छा यार, मतलब विदाउट रिवीलिंग टू मच स्टोरी आप क्या बता सकती हैं? मैं ये बता सकती हूँ कि हम लोग जब कहानियों को देखते हैं ना, तो ये जो टैग्स हैं ना, वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल इश्यूज़, हम इनको इस तरह नहीं अलग से देखते। लव स्टोरी में वुमेन एम्पावरमेंट कैसे नहीं आती? बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। या क्यों ना आए, आनी चाहिए, आनी चाहिए। अगर हम एक लव स्टोरी की बात कर रहे हैं, उसमें खातून है ना इन्वॉल्व, या जो दो पार्टीज़ हैं दोनों ही की एम्पावरमेंट की बात है, तब वो लव स्टोरी मज़ेदार है, वरना तो नहीं है। बिल्कुल। या अगर वो डिसबैलेंस की कहानी है, पावर के डिसबैलेंस की कहानी है, बहरहाल यू नो इट्स अबाउट दैट। सो टू एक्सपेक्ट कि ये सब चीज़ें और तमाम ही इशूज़, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम तो अगर हम रॉनर भी चेंज कर दें, अगर हम कहें जी हॉरर है, उसमें क्यों नहीं आ सकती ये तमाम चीज़ें? मेंटल हेल्थ क्यों नहीं आ सकती उसमें? विमेन एम्पावरमेंट क्यों नहीं आ सकती? तो कहानियों को इस तरह डिब्बों में डाल के देखना और उन इस एक्सपेक्टेशन के साथ जाना कि अच्छा आप मैं ये देखूँगी, अरे ये तो ये औरत ऐसी मजबूत नहीं लग रही, तो आई थिंक थोड़ा डिससर्विस है टू द स्टोरी, because the story will reveal itself to you really slowly and मज़ा उसी वक्त आएगा when you go along with it without trying to label it कि ये ऐसे होगा या अच्छा सरमद ने फिल्म बनाई है तो ऐसी होगी, या अगर इसमें सानिया है तो ऐसी होगी, या जो सबा है तो ऐसी होगी। तो ख्वाहिश हमारी यही है कि लोग इसके बियॉन्ड थोड़ा सा ओपन माइंडेडली इसको देखें। आई थिंक आपने बड़ी खूबसूरत बात बोली है, मुझे एक चीज़ सिखा दी आपने अभी भी कि हम ये जो कॉन्वर्सेशंस हो गई हैं ना अबाउट यू नो एम्पावरमेंट एंड राइट्स एंड व्हाट्स रॉन्ग एंड व्हाट्स नॉट राइट एंड यू नो ऑल दैट, उसमें हम ये बात भूल गए हैं जो आपने कही कि हमने वो डब्बों में डालना शुरू कर दिए और हम एक कहानी को कहानी नहीं समझते, उसको हमने लेबल करना शुरू कर दिया है कि ये इस थीम पे है और ये इस थीम पे है। और आपने इतनी खूबसूरत बात कही कि वो एक सिंपल लव स्टोरी में भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हम इतने वो हो गए हैं। अपॉलॉजीज एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ गुड वेकअप कॉल, यू नो एटलीस्ट मेरे लिए तो थी। अच्छा कमली को जब मैं देख रही हूँ, उसका ट्रेलर देख रही हूँ, पाकिस्तानी सिनेमा को कहते हैं कि वो उसमें जो फिल्म्स हैं वो ज़्यादातर वो हैं जिसमें मर्दों का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होता है और मर्दों के ऊपर बेस्ड होती है। कमली इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट, तो आपको लगता है ऑडियंस एक्सेप्ट कर पाएगी? इट्स ऑल वुमेन सेंट्रिक ट्रेलर से तो लग रहा है। तो पाकिस्तान से औरतें गायब हो गई हैं? नहीं, मैं तो एज अपोज टू ड्रामा में कहते हैं कि औरतों के ऊपर फोकस हुआ होता है। अच्छा ये भी एक अजीब सी मिथ है ना कि औरतों पे फोकस्ड है ड्रामा, या बाज़ दफ़ा हमने एक प्ले किया था मुश्क, इट इज़, उसमें दो खवातीन हैं, मैं और निम्रा हैं, थिएटर प्ले था, बगैर कॉन्स्टेंट कॉन्वर्सेशन इज अबाउट अ मैन, दैट मैन नेवर अपीयर्स, यू नेवर सी दैट मैन, बट द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द प्ले इज़ द मैन. So how do you say it? These are two women talking. So who's the central character? Yeah.